हेलो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पीएससी का एडमिट कार्ड वेबसाइट में जारी हो चुका है। इसे कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। इसके एड्रेस बार में आप www.mppsc.nic.in टाइप करेंगे। इसके बाद आपके सामने ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप एडमिट कार्ड स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2018 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप करेंगे, देन डेट ऑफ बर्थ को टाइप करेंगे। उसके नीचे एक वेरिफिकेशन कोड दिया रहेगा, यहाँ टाइप करेंगे और लॉगिन में क्लिक करेंगे। आपका एडमिट कार्ड आपके सामने शो हो जाएगा। आपकी एग्ज़ाम 18 फरवरी 2018 को है, 10 बजे से 12 बजे तक होगी। इसमें आपको 9:30 बजे उपस्थित होना ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट पेपर होगा जनरल स्टडीज़, मतलब सामान्य अध्ययन का। इसके बाद द्वितीय पाली में 18 फरवरी 2018 को ही 2:15 से 4:15 दोपहर में आपका पेपर होगा। इसमें आपको 1:45 पर उपस्थित होना ज़रूरी है। यह पेपर आपका होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। इस बॉक्स में आपका परीक्षा केंद्र का नाम व पता लिखा रहेगा। यहाँ पे आपका रोल नंबर होगा और नीचे सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार का मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आप यूज़ नहीं कर सकते। लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तथा सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अनिवार्य है हल करना। और अपने साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी ले जाना ना भूलें और समय का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके नीचे और भी इंस्ट्रक्शन दिए, इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उसे आप डायरेक्टली क्लिक करके आप इजीली अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसी टाइप के वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल शाकुंतलम क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।